14वां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद एवं मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29,175 पद की स्वीकृति के संबंध में, यानी कि कुल लगभग 50,000 नए पदों की स्वीकृति दी गई। प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद एवं मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29,175 पद। 38वां प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्गों के युवाओं को ऋण सह अनुदान उपलब्ध कराने, ऋण की वसूली गारंटर हेतु मापदंड का निर्धारण एवं ईएमआई की गणना की स्वीकृति के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से जो गारंटर्स नहीं मिल पाने के कारण जो कठिनाई होती थी गारंटर्स के लिए, इसमें बदलाव किया गया है। ये सूची हमारे सामने नहीं है जो गारंटर्स की श्रेणी में जिनको रखा गया है उसमें परिवर्तन किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से पहले सिर्फ जो आयकर दाता हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनको रखा गया था, और अभी के मुख्य जो चेंजेस हैं उसमें निर्वाचित जिसमें सरकारी अर्ध सरकारी निजी संस्था में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मी अथवा निर्वाचित पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि आयकर दाता में से कोई एक व्यक्ति हो सकता है। तो मुख्य रूप से निर्वाचित एवं पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि को भी इसमें शामिल किया गया है, उपलब्ध करा देंगे। 35वां प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से झारखंड प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के स्वरूप में बदलाव करते हुए झारखंड राज्य में अवस्थित राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 10 तक अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने विषयक नियमावली के गठन के संबंध में। इसमें सिर्फ जो छात्रवृत्ति संशोधन कई सारे हैं, लेकिन जो छात्रवृत्ति की दर में संशोधन है उसे मैं पढ़ दे रही हूँ। प्राथमिक विद्यालय 1 से 4 का पहले 500 रुपये दर था, जिसे बढ़ा करके 1500 किया गया है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में। मध्य विद्यालय 5 से 6 हज़ार रुपये था, जिसे 1500 किया गया है। 7 से 8 1500 को 2500, और उच्च वर्ग 9 से 10 जो 2250 था उसे 4500 किया गया है।